नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार वत्स, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज मैं डिस्कस करूंगा सजेशन एंड रेमेडीज नंबर 8 के बारे में। अगर आप लोशु ग्रिड स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो या तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए या मेरे एस्ट्रो स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर जरूर ट्राई करना चाहिए, वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर है और कुछ बेसिक फीचर्स के साथ ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो लिंक नीचे दिया डिस्प्ले हो रहा होगा, आप जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नंबर 8 के बारे में। तो नंबर 8 क्या है? तो नंबर 8 के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऐसा नंबर है जो कि पावर, अथॉरिटी, पैसे, इस चीज़ को बताता है। तो नंबर 8 जो होता है वो बहुत हार्ड वर्किंग होता है, डिसिप्लिनड, और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम नंबर होता है। मतलब अगर वो अच्छा है तो एक्सट्रीम अच्छा है, ख़राब है तो एक्सट्रीम ख़राब। उसका एक दायरा होता है, उसके बीच में जो भी लोग आते हैं उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। मतलब वो एक अपना सर्कल बना के रखता है कि उसमें समझता है ये मेरा बीवी है, बच्चा है, मॉम है, डैड है, हस्बैंड है, वाइफ है। वो खुद से डिसाइड करता है उसमें कि कौन रहेगा, और उसको वो हर हाल में प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और उसके लिए कुछ भी करने के लिए रहता है। बट एट द सेम टाइम एक्सपेक्ट भी करता है कि वो भी उसको ये करे। तो बेसिकली पावर, अथॉरिटी, ये चीज़ उनमें ज़्यादा पाया जाता है। और नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए अच्छा माना जाता है, और ज़्यादातर वो लोग बड़ा प्रोजेक्ट और ये करते हैं। सक्सेस जो है लेट से मिलता है इनको, यूजुअली 35 के बाद ही मिलता है। तो ये सब कुछ अच्छी बातें हैं। अगर आपको और जानना है नंबर 8 के बारे में तो आप मेरा लाइव पाथ नंबर 8 का वीडियो देखिए, आई आइकन पे प्लेलिस्ट है, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो आते हैं कुछ सजेशन एंड रेमेडीज़ के ऊपर नंबर 8 का। तो सबसे पहले सजेशंस। तो नंबर 8 के बारे में, जैसा कि आपको पता है कि इसमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन ये नंबर जो होता है वो एक्सट्रीम होता है। तो अगर ये पॉजिटिव साइड है तो ही बहुत अच्छा है, अगर नेगेटिव साइड है तो उतना ही बुरा है। तो ये बीच वाला नहीं रहता, लेकिन इनको अगर किसी भी साइड में एक्सट्रीम अगर है तो ये आपको पता है कि एक्सेस किसी भी चीज़ का जो है ख़राबी होता है। तो इनको थोड़ा बैलेंस करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए थोड़ा सा बैलेंस करें। नंबर 8 जो है वो सैटर्न का नंबर कहलाता है। सैटर्न जो होता है रिप्रेजेंट करता है लो, मैं कैसे बताऊं इसको, कि वो जो लोग होते हैं लेबर क्लास, मतलब मैं क्लास वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो लोग जो रियली हार्ड वर्क कहते हैं, तो जो हार्ड वर्किंग लोग हैं, लोग पेइंग जॉब्स हो गए या इनकम हो गए, या फिर डिजीज लोग हो गए जो अपना काम खुद से नहीं कर सकते हैं, वैसे हेल्थ इशूज़ वाले लोग हो गए, डिसेबल लोग हो गए। तो सैटर्न इन सब चीज़ों को रूल करता है, जनरल पब्लिक उसको रूल करता है। मतलब राजा के जो अपोजिट आप कह सकते हैं प्रजा, उसको प्रजा को वो रूल करता है। तो नंबर 8 में एक एम्बिशन, अथॉरिटी रहता है, तो ये हमेशा चाहता है कि उस चीज़ को वो पाए, लेकिन इस बीच वो अपना बेसिक चीज़ भूल जाता है कि उसको जो लो लेवल के लोग हैं उनका ख्याल रखता है। तो जब वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको जो सक्सेस मिलता है वो फिर से उससे छीन लिया जाता है, उसके बाद फिर से वो एफर्ट लगा के होता है। तो अगर वो चैरिटी करते रहें, तो अगर आपका नंबर 8 है तो आप कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ चैरिटेबल चीज़ किया जाए, किसी को दान दिया जाए, चैरिटी किया जाए, ताकि आपका जो वो एम्बिशन है उसको कंटिन्यूसली सक्सेस मिलता रहे। चूँकि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, सक्सेस, अथॉरिटी, पावर, पैसा, इस चीज़ ये चीज़ आपको चाहिए, तो थोड़ा फैमिली के लिए समय दीजिए। मतलब बेसिकली वर्क लाइफ बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा अपने हेल्थ को ध्यान दीजिए, क्योंकि नंबर 8, नंबर 4, 7, ये सब जो नंबर्स हैं इसमें से बाय डिफ़ॉल्ट हेल्थ इशूज़ आता है अलग अलग तरह का। नंबर 8 जो है वो क्रोनिक डिजीज़ की तरफ इशू करता है। तो नंबर 8 में पर्टिकुलरली जॉइंट पेंस, घुटने का दर्द, और जो शनि से जो रिलेटेड होते हैं, वाता कहते हैं उसको, साइनस हो गया जैसे ब्रीदिंग रिलेटेड, या फिर मतलब वाता से रिलेटेड जो डाइजेशन होता है उससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम होता है। तो बट सैटर्न जहाँ तक मैंने ज़्यादातर देखा है, या तो साइनस ब्रीदिंग वाला चीज़ इश्यूज़ होता है, या फिर पैर में प्रॉब्लम करता है। तो अपना उस एरिया को थोड़ा सा केयरफुली ध्यान दीजिए। रेमेडीज़ पे आते हैं। तो सैटर्न जो है एक ज़िद्दी बच्चे की तरह होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़िद होता है। तो ऐसे लोग केवल अपनी मम्मी का ही बात सुनते हैं,
तो अगर सैटर्न है तो आप माँ काली की पूजा कीजिए, ये सैटर्न की निगेटिव चीज़ को कंट्रोल करेगा। या फिर हनुमान जी की पूजा कीजिए, जो कि आपके लाइफ में ज़्यादा डिसिप्लिन और आपके एंगर को, निगेटिव चीज़ को एक सही डायरेक्शन देगा। दूसरा जो एक प्रैक्टिकल रेमेडी है वो ये कि जो लोग अपना हेल्प खुद नहीं कर सकते हैं, जैसे कि डिजीज्ड लोग हो गए, या फिर वो लोग जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे बूढ़े या बच्चे, हैंडीकैप्स, तो इन लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि इसमें सैटर्न का वास रहता है। तो ये सबसे प्रैक्टिकल और मोस्ट इफेक्टिव रेमेडीज़ है, क्योंकि सैटर्न जो है हम लोगों को रिजल्ट एज पर आवर कर्मा ही देता है। तो इफ़ यू शो योर कर्मा इन दीज प्लेसेस, डेफिनेटली उनका जो प्रकोप है या फिर उनका जो जजमेंट है बेसिकली, वो आपके लिए फेवर में रहेगा। इसके अलावा जिसको भी आप अपने से छोटा समझते हैं, उसको डिग्निटी और ऑनर के साथ ट्रीट कीजिए। उनको डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिए, उनको नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। पहनने वाले पार्ट में, वियर में आप कर सकते हैं एमेथिस्ट पहन सकते हैं, या फिर आप एमेथिस्ट का ब्रासलेट आप ले सकते हैं, या फिर ब्लू सफायर नीलम जिसको कहते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पहले कंसल्ट कर लें, तब जा करके इस चीज़ को आप लें, क्योंकि इनका हेल्थ साइड भी असर करता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इस वीडियो को देख करके आप डिसीजन लें। योगा एंड प्राणायाम साइड जो है, आप जैसा मैं कहता हूँ हर वीडियो में, सूर्य नमस्कार, ये तीनों वात पित्त कफ तीनों को कंट्रोल करके रखता है। तो सूर्य नमस्कार आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और ब्रीदिंग से जो रिलेटेड होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम हो गए, ये सब प्राणायाम आपको हेल्प करेगा। तो नाड़ी शोधन, भ्रामरी, उज्जयी प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये सब कुछ प्राणायाम्स हैं जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो नंबर 8 बहुत ही अच्छा नंबर है। अगर आप वास्तु के अनुसार इसका डायरेक्शन देखेंगे तो ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बताता है, जो कि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के ऊपर है। तो अगर नंबर 8 डिस्टर्ब है तो आपका जो माइंड है वो रेस्टलेस रहेगा, क्योंकि वास्तु पुरुष का जो हेड होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है, तो आपका दिमाग हमेशा अशांत रहेगा। अगर नंबर 8 डिस्टर्ब है तो आपको कोई भी चीज़ जो नया होता है आपके लाइफ में, उसमें कुछ ना कुछ झंझट, परेशानी लगा रहेगा। तो वो होप जो है वो मतलब हमेशा एक चिड़चिड़ापन या ये चीज़ रहेगा। तो ये है दूसरा नंबर 8 जो है। अगर एलिमेंट वाइज देखें तो ये अर्थ एलिमेंट को बताता है, जो कि पावर, अथॉरिटी, पैसे को रिप्रेजेंट करता है, हार्डवर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो ये नंबर ही है हार्डवर्क करने का। तो डेफिनेटली देर इज़ नो शॉर्टकट। इफ अगर आपका नंबर 8 है तो आपको मेहनत करके ही रिजल्ट होगा, और रिजल्ट भी थोड़ा लेट से होगा, क्योंकि नंबर 8 आपको सिखाना चाहता है जीवन का जो सच्चाई है ये। इसीलिए जो नंबर 8 वाले लोग होते हैं वो अच्छे जज होते हैं, क्योंकि उनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अगर आपका नंबर 8 है तो आपके सामने कोई ब्लफ करेगा तो आप उसको जज कर लेंगे इजीली, क्योंकि ये क्वालिटी आप बचपन से, इस तरह से आपका लाइफस्टाइल होता है कि आपके सामने कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। आप में जजमेंट कैपेसिटी बहुत अच्छा रहता है। तो ये था नंबर 8 के बारे में। और अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट जनरेट कीजिए, उसमें सारे नंबर्स के बारे में डिटेल्स में दिया हुआ है, चाहे वो पाइथागोरियन का हो, वैदिक ग्रीड का हो, चैल्डिनी का हो, या फिर लोशु ग्रीड का हो, सारे नंबर्स का मैंने डिटेल में दिया हुआ है। तो ये आपके वन कप ऑफ कॉफ़ी से भी सस्ता है, तो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे ईमेल कीजिए, jayantkumar@astrobasic.com पे, या फिर आप कंसल्टिंग बुक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन, आप मेरा सॉफ्टवेयर ले लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ट्राई कर सकते हैं, कुछ डाउनलोड नहीं करना है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो बेस्ट वे है आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए। लोशो ग्रिड का फ्री कोर्स जो है दिया हुआ है, और वे कुछ केस स्टडीज़ जो है मेरे एस्ट्रो स्कूल पे हैं, तो आप इजीली रजिस्टर करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मोस्ट ऑफ द अपडेट्स डालता हूँ, और जो 30 सेकेंड्स का रील्स होता है मैं वो बना के डालता हूँ, जिसमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी टिप्स रहते हैं, तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।